क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या समझते हैं, क्या मतलब जनता का काम हो गई नहीं, सब कुछ है क्या? हम आप क्या सुनो, मेरा क्या दो महीने तो ऑलरेडी हो गए, मेरा नियम के तौर पर काम आपको करना चाहिए। दो महीने अगर आपने बोला एफिडेविट दो, मैंने एफिडेविट दे दिया, आपने नए नियम एफिडेविट दो, तो फिर मैंने तो अभी तक फिर क्यों नहीं हो रहा है, आप परेशान मत हो, क्यों नहीं हो, मतलब आप भी बताइए, आप मेरी बात आपको क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे नहीं नहीं ऊपर ऊपर के लिए किनसे मिलना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर फोन नहीं अप्रूव कर रहा हूं, कुछ भी कर रहे हो, मेरे गुजराती सरकार इस पे इंडिया, आप बोल रहे हो जानती हूं उसको, मैं ये कोई शब्द होते हैं बोलने के, उनको बोला था, क्या बोला था, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, आप गलत शब्द, आप मुझे दो आठ बार आ गया, मैं चार उस दिन में ड्यूटी में कोई नहीं, 3:30 बजे तक नहीं, माफ तो आप हमको करो मैडम, आप परेशान कर रहे हो जनता को, आप तो परेशान कर रहे हो, मैं 3 बार आ गया उस दिन, 3:30 बजे आया, कोई भी नहीं था, हजारों जनता परेशान हो रही नहीं, पूछो ऊपर नहीं दे रहे मैडम, देख रही मैडम उस दिन, आप बताओ अभी अप्रूव कैसे होगा, कैसे अप्रूव करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनसे मिल लेते हैं, उनसे मिल लेते हम जाके, अब बताइए आप लोग नाम बताएं, किनसे मिलना है, ऊपर में बात कर लेता हूं, किनसे मिलना है मैडम बताइए ना, आप बोलेंगे बात करते हैं, आपके यहाँ नियम में क्या है, कितने दिन में देते हैं, कितने दिन का नियम रहता है, हाँ ठीक है, अरे नहीं कोई दिक्कत आपका जो एक मिनट, क्या वो क्या कह रहे हैं, विकास नगर चौराहे, हाँ विकास नगर टेलीकॉम का, हाँ हाँ उसके अंदर आप जाओगे, उधर ही रहता हूँ, अभी उन्होंने आपसे क्या कहा कि वहाँ वहाँ हम लोग चले जाए सर, मैडम कर क्यों नहीं रहे, ड्यूटी पे नहीं है या कौन सा मैडम है, क्यों नहीं कर रहे, आपके यहाँ हर चीज का नियम रहता है ना गवर्नमेंट में कि भाई ये काम इतने दिन में करके देना है, 2 महीने हो गए, भीड़ लगी थी तो मैं निकल गया, हम क्या जनप्रतिनिधि सांसद महोदय के भी वो भी हमारे पास देखो, यहाँ भी हमारे लोग स्टाफ में हैं, पर हम नियम अनुसार आए, आप बताएं कि इसका क्या मतलब क्या करना चाहिए, आप बताएं ना, उनसे मैडम से बात कर लो, क्या नंबर उनका, मैडम का नंबर ले लो, वो ले लो, हमसे चलते ना अपन, वहीं चलते हैं, क्या आपने वहाँ नहीं हो पाया तो आपने ही बुलाया ना, इन्होंने बुलाया फ़ोन पे इनको, मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैम कौन है और क्या क्या नियम में क्या रहता है, ये बताओ ना, काम आप बता रहे हो बता रहे हो, वहाँ से ले लेंगे, आप बताइए ना कि क्यों नहीं हो पाया, उनसे पूछना है ना, क्या जनता हमको परेशान कर रही है, क्यों नहीं हुआ काम हमारा, हम तो ये हम तो हमारा काम चाहते हैं, मैडम आप कब तक चले गए, कब तक वेट करूंगा, मुझे बताओ, मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ेगा, आप बता दो मैं कर लूंगा, नहीं आप बता दो मैं, तो मैडम क्यों नहीं कर रहे,
बात करने से नहीं, नंबर ले लो आप कहीं चले। इनका तो हो ही गया, इन्होंने अपने तरफ से क्या बताया क्या बोला वो चीज़ें हुई थी नहीं। वो आपको अगर कह रहे तो हम कल और आ जाएंगे, इतना भी हम हमारी तरफ से कि अगर वो कल दे सकते हैं क्या, कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारे आप तो अकेले हो, बहुत सारे अप्रूवल नहीं देंगे। चलो वो नंबर ले लो उनका। तो जैसे दो माह हो गए तब तक भी नहीं, क्या होता है ना उसमें दूसरा चाहिए, जैसे 28 दिन में मैं बना के देना चाहिए। कर्मचारी मेरे पास आया, व्यक्ति आता है तो वहाँ जाकर के अपना उसने एक आवेदन दिया और उसने एम जी का एक हिस्सा चेक लगा दिया, बाकी चीज़ देखने चला गया, काउंटर पर ले ली। जन्म पत्र प्रमाण पत्र बनवाते समय आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बता रहे हैं दो महीने से जो है आप यहाँ पर जो आ रहे हैं। हाँ, मैं दो महीने से जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर आ रहा हूँ, आने के बाद मेरे साथ अभद्रता पेश हो रही है और आज आना कल आना, मैडम ड्यूटी पर रहते नहीं है और बेचारे दूसरी जनता रहती है वो भी आज मेरे साथ में, आपने देखा होगा दूसरे वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं सुबह शाम तक, यहाँ उनको टाल दिया जाता है। मैडम की अभद्रता मैंने वीडियो में आपको बताया कि किस टाइप से अभद्रता पेश हो रही है, गलत शब्दों का प्रयोग हो रही है, हम जनता के नौकर नहीं है, हम काम हमारे हिसाब से करेंगे, इस टाइप की बातें हो रही हैं। आपने इस समस्या को सिविल सर्जन के सामने रखा था, उसमें कुछ कार्रवाई भी सामने आई? कार्रवाई हुई है, मैडम ने इस्तीफा दिया है कि मुझे इस विभाग से दूसरे विभाग में जाना है, सर बोल रहे हैं कि उन्होंने मैंने यहाँ से हटा के उनको दूसरी जगह कर दिया है, बाकी अब मैं आया, अब आगे सर पास आया। कहाँ से आया था? मतलब मैं गणेशपुरी देवास से। आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार या भाषा का प्रयोग भी किया गया था? अभद्रता आमजन आपके साथ में जो लोग आते हैं उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार? सर हमारे साथ भी अभद्रता पेश की गई और दूसरे जो लोग आते हैं उनके साथ में भी, अभी दूसरे लोग भी खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, इनके साथ भी बहुत परेशान है बेचारे, दो महीने हो गए हैं, किसी को 15 दिन हो गए आ जाना कल आना, इन सब हो रहा है इनके साथ, ये परेशान है। ठीक, आपका नाम बताओ? शैलेंद्र मौर्या। कम से कम 4 साल हो गए भैया, 2020 का जन्म है मेरी लड़की का। तो इतना लंबा समय कैसे लग गया, क्या हुआ था? कोरोना काल में मैं आ नहीं पाया और मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसके बाद में आया, तो यही बोलते हैं कि वहाँ तहसील जाओ, वहाँ ये कागज बनवा के लाओ। पहली बात, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है? पूरे नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट है। कोई दिक्कत? जन्म कहाँ हुआ बच्ची का? यहाँ पे हुआ, एनजीओ में हुआ। एनजीओ में कागज तो होंगे इसके आपके पास? 2000 कब हुआ था? 2020 में। आपने पहली बार यहाँ कब आया जन्म बनाने के लिए? 23 में आए, अभी 24 में आए? नहीं नहीं, इसके पहले भी आया था, 22 में भी आ गया था। अच्छा, क्या बोला? फिर ये बोले थे कि वहाँ ये वहाँ जाओ, वहाँ अस्पताल में, वहाँ तहसील में जाओ, वो कागज लाओ, अभी सर नहीं ये बोलते। अभी क्या मैडम ने क्या बोला आपको? अभी तो मेरे को ये सिर्फ फॉर्म दिया, इसके पहले भी आज भी यही बोला कि तहसील में एफिडेविट करवा के लाना, ये बोलना, और उसके बाद में अभी फॉर्म दिया है मेरे को। क्या नाम है आपका? राजपाल साहब। कहाँ से है? बेसापुर टुरू। बेसापुर टुरू से। ये कहाँ है? ये यहाँ पे पलसावट डैम के पास में, ताजापुर जिले में। जो प्रमाण पत्र विभाग में जो है आज एक समस्या आई थी, कुछ आम जनता मेरे पास आई थी कि सर हमने 2 महीने पहले आवेदन दिया था अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है, और वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। जब मेरी चीज़ें मेरे संज्ञान में आई, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी उस समय निर्वाचन कार्य चल रहा था तो निर्वाचन में लगी हुई थी, इससे कुछ पेंडेंसी भी बढ़ गई थी, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस पेंडेंसी को ख़त्म करें। फिर हमारे पास में जन्म मृत्यु के लिए एक नया पोर्टल चालू हुआ, नए पोर्टल पर भी कुछ नई चीज़ें बताई गई हैं जो आम जनता को नहीं मालूम था, उनको हमने डिस्प्ले करवाया है, जिससे कि आम जनता को सुलभ और जल्दी से समय पर जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट मिल सके। जिस कर्मचारी का व्यवहार अच्छा नहीं था उस कर्मचारी को बर्थ सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है। सर क्या नाम है जो हटाए? हमारे राखी कामले करके एक कर्मचारी थी, उनको वहाँ से हटा दिया है, और हम वहाँ पर दूसरे ही किसी व्यक्ति की कार्य व्यवस्था बनाने के लिए आदेश कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता को समय पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके। सर विभाग में कर्मचारी की कमी अभी आमतौर पर देखा गया, वहाँ एक ही महिला कर्मी काम कर रही है और दूसरी जिनको भी हटा दिया गया था, तो क्या वहाँ पे कमी है अभी? हाँ, निश्चित रूप से जन्म मृत्यु शाखा के लिए कोई ऐसा हमारे पास डाटा ऑपरेटर या कोई LDC नहीं है, हमें ये नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल से काम चलाना होता है, उसके लिए हम पहले भी व्यवस्था बना के रखी थी, अभी भी हम यही प्रयोग करेंगे कि क्योंकि हमारे लिए वहाँ का कोई ऑपरेटर वगैरह के कोई अपॉइंटमेंट उस विभाग के लिए नहीं होता है, पैरामेडिकल स्टाफ से हमें काम चलाना होता है।